तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई पीओ मेंस में ऐसा कौन कौन सा सेक्शन होता है जो सबसे हाई स्कोरिंग होता है, और अगर आप बुद्धिमान हैं, थोड़ा सा नॉलेजेबल हैं, तो आप उन्हीं सेक्शन पे से बहुत ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। और उसे कैसे किस तरह से प्रिपेयर करेंगे ये थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखो एसबीआई प्रीलिम्स तो मैक्सिमम लोगों का क्लियर हो जाएगा, लेकिन एसबीआई मेंस में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो आपको जीडीपीआई का बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग बाहर हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर की कट ऑफ जो थी, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, फाइनल जो कट ऑफ थी 54.11 थी, ये जनरल की थी। यूआर की कट ऑफ थी आउट ऑफ 100 परसेंटाइल, ठीक है, 100 परसेंटेज में से आपका इतना था। तो अगर जो बंदा 54.09 परसेंटाइल पाया हुआ था और डायरेक्ट बाहर था, आउट था, वो कोई एसबीआई पीओ नहीं था, वो नेक्स्ट जाके फिर से प्रिपेयर करे, ठीक है। 54.10 भी था तभी बाहर था, समझ गए ना। तो इसी वजह से आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और कोशिश करना है कि मेंस में आपके थोड़े से ज़्यादा नंबर आए, ताकि आपको जीडीपीआई में ज़्यादा टेंशन ही ना हो। क्योंकि जीडीपीआई का जो स्कोर होता है 50 मार्क्स, ये आपका 25 परसेंटाइल में कन्वर्ट होता है। मीन्स इसको आपको क्या करना रहता है भैया, मतलब आधा कर लेना रहता है एक तरह से ना, तो ये दिक्कत कर देता है लोगों को बहुत ज़्यादा, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो एक ही मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके। देखिए, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने क्वेश्चन के होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक मिनट इसको समझ लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से आपका है जीए, ठीक है, जीए ले लेते हैं, उसके बाद से आपका है इंग्लिश, ठीक है। ये चार होता है, और एक और होता है आपका मेन्स में डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। आप रीजनिंग में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं आपके, 45 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 60 नंबर के होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। और आपकी जीए में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, डेट इज़ 35 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के होते हैं। तो एक चीज़ देखो, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मैथ और रीजनिंग रहता है ये अनएक्सपेक्टेड रहता है। अगर आपका दिन रहा, जैसे आपका जो एस बी आई पी ओ 19 था, ये पेपर आसान आया था, तो इसी वजह से मैथ और रीजनिंग में लोगों ने स्कोर अच्छा खासा किया था, ठीक है। लेकिन एस बी आई पी ओ 18 जो था उसमें बहुत टफ था, ठीक है, एस बी आई पी ओ 18 जो था वो टफ था, इसमें स्कोर नहीं कर पाए थे लोग ना, रीजनिंग मैथ में स्पेशली, मैथ में तो नहीं कर पाए थे। तो देखिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है ये तीनों होता है, जीए होती है, इंग्लिश होती है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होती है। तो वाइजली सुनिए, ख्याल से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, शायद ही कोई आपको बताएगा ये बातें, क्योंकि सब लोग फालतू की बातें खाली करते हैं, ये चीज़ें शायद ही कोई शेयर करेगा आपसे, ठीक है। देखिए, जीए मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जीए पे फोकस करिए और डेली बेसिस पे जीए को पढ़ने की हैबिट बनाइए, ठीक है, डेली बेसिस पढ़ने की हैबिट बनाइए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि एक सेपरेट वीडियो तुम बना दो, प्लानिंग वीडियो इसके लिए, एसबीआईपीओ के लिए, तो आप उसके लिए परेशान होइए, इसको मैं आपको जीए को स्पेशली समझा दूंगा इसमें फिर से एक बार, कि आप इस प्लानिंग वीडियो में मैं आपको जल्द ही दे दूंगा, तो उसके लिए परेशान ना हो। तो जीए को आपको क्या करना है, डेली बेसिस से पढ़ने की हैबिट बनाया, थोड़ा डीप में ना, थोड़ा सा डीप में पढ़ना जीए को, समझ गए इस बात को। और कोशिश करना है जीए में मिनिमम 30 मार्क्स आपके स्कोर होने चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो, 30 मार्क्स आपके स्कोर होने चाहिए, ये समझो ना ख्याल से। इंग्लिश, इंग्लिश में एक चीज़ होती है, रीडिंग स्किल। अगर रीडिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश में अच्छे स्कोर नहीं हुए आपके, तो ऊपर मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा दिखे आपको ना, रुको समझो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लिखने हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, देन आप ना तो जीडी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ना पीआई में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ना ही डिस्क्रिप्टिव में अच्छा कर पाओगे। तो इसी वजह से आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी करने के लिए मैंने एक चीज़ बताया कि रीडिंग करते कैसे हैं, किस तरह से रीडिंग करना है, और पूरे स्टेप समझाए हुए हैं। तो आप लोग सर्च करेंगे इंग्लिश स्ट्रेटजी बाई बी ऑप्टिमिस्टिक, या बी ऑप्टिमिस्टिक इंग्लिश स्ट्रेटजी गूगल पे सर्च करो को मिल जाएगा, क्योंकि उसको अप्रॉक्सीमेट 50,000+ लोगों ने देखा हुआ है, 50,000+ लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है, तो आपको वो मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसको देखिए, आधे घंटे 30 मिनट्स के अराउंड वो वीडियो है, और उसमें मैंने पूरा समझाया कि रीडिंग कैसे करना, कौन से तरीके से अंडरस्टैंडिंग स्किल को डेवलप करना है, पूरा डिटेल समझाया, कोई बकवासबाजी नहीं, बस समझाया है खाली ना, आधे घंटे तक समझाया, सोच लो मैंने कितना डिटेल में बताया होगा। ये इंग्लिश में जिस तरह रीडिंग बताया उस तरह करना, क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका। इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करने की वजह से हम लोग इंग्लिश में स्कोर ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या लगता है कि इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते ही नहीं उस सब्जेक्ट को। ये जो इंग्लिश है ना, इस सब्जेक्ट को भैया ईमानदारी से बताओ, तुम कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे की तुम्हारी स्टडी इस सब्जेक्ट की होती है, नहीं करते हो क्या? मुझे पता है बिल्कुल नहीं करते हो। अगर तुम्हारे वीक है तो 3 आवर्स कभी तुमने दिया है रेगुलर बेसिस पे इसको, 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसा करके दिया हो तुमने, 3 आवर्स या 2 आवर्स नहीं दिया होगा, कुछ ना कुछ रीडिंग की हो ईमानदारी से, नहीं की हो तो रीडिंग करना शुरू करो जिस तरह मैंने बताया हुआ। आगे मैं स्ट्रेटजी में आपको और चीज़ें बताऊंगा कि क्या आपको एक्स्ट्रा और करनी है, ठीक है।
इंग्लिश जब आपकी अच्छी हुई तो आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर, देखो इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी ना, इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी जो मैंने बताया 30 मिनट्स तक, उसमें खाली आपकी इंग्लिश सही नहीं हो रही है, इंग्लिश तो सही हो रही है, उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो जाएगा क्योंकि लिखने के लिए मैंने बोला और मिरर के सामने खड़े होकर बोलने के लिए बोला है, तो उसमें से जीडी आपका बहुत अच्छा एक्सलेंट टाइप का जीडी आपका होगा। उसके बाद से पीआई, जब बोलने की हैबिट रहेगी तो पीआई पर्सनल इंटरव्यू में कोई कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चार पांच चीज़ें होंगी, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, जीडी पीआई सही होगा, तीन हो गया, इंग्लिश तो सही होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब बहुत एक चीज़ कर लो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, समझ गए। इंग्लिश में कोशिश करना है आपको, जो आपको कोशिश करना है, बहुत मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कितना भी टफ पेपर आ जाए ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है। तो इंग्लिश में आपको अराउंड कोशिश करना है 30 मार्क्स लाने की कोशिश करना है, 30 नहीं आ पा रहे हैं तो 25 स्कोर कर, स्कोर मानो, ठीक है, मान लो आप 30 नहीं ला पा रहे हो तो 25 आपका मिनिमम होना चाहिए, कितना तो मुझे लाना है कुछ भी करके, और उसके लिए मेहनत करना है। और कई लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में, हमारे जैसे बंदे 25 लेके आ पाएंगे, हम जैसे लोग 30, अरे मेरे दोस्त तुम खुद पहले से ही हार मान ले रहे हो, तो तुम जैसे लोग 10 नंबर भी नहीं ला पाएंगे मेंस में, ठीक है। जैसे मैं पहले एक सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, मेहनत करोगे इंग्लिश पे 25 के 35 लेके आओगे तुम, ठीक है, तो इसी वजह से भरोसा रखो और तुम ही लेके आओगे, बस पढ़ना डेली बेसिस पे जो जैसे बताया हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर की। अगर आपकी इंग्लिश आपने वर्क कर लिया इंग्लिश पे, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर पे बस क्या करना रहता है, फॉर्मेट प्लस राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपकी जो मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताया है, किस तरह से रीडिंग करना है, जो आप सर्च करेंगे इंग्लिश स्ट्रेटजी, बी ऑप्टिमिस्टिक इंग्लिश स्ट्रेटजी सर्च करोगे, विल गेट दैट। या तो मैं लिंक ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उस वीडियो की, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, मुझे लगता है कि उसको लोग अगर लाइटली लोगे दिन आप ही का नुकसान है। तो उसमें आप जब लिखेंगे तो वहाँ पर लिखने की हैबिट रहेगी, लिखने की हैबिट जब रहेगी तो आपकी जो ये होती है, जो लेटर में तो लगभग लोगों के नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं सभी लोगों को, लेकिन जो एसे होती है ना उसमें लोगों के नंबर नहीं मिलते, उसमें जिसकी लिखने की हैबिट रहती है उसी को नंबर मिलता है। तो अगर आपकी लिखने की हैबिट है तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर अच्छे खासे मिलेंगे और लोगों से तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपके मान लेते हैं आपने स्कोर जो कर दिया 30 या 35 कर दिया, तो इन्हीं तीन सेक्शन से अराउंड आप क्या कर दोगे, 90 के स्कोर कर दोगे, ठीक है, इन्हीं तीन सेक्शन से खाली 90 का अराउंड कर दोगे। अब मान लो आपकी रीजनिंग या मैथ, कई लोग बोलते हैं मेरी मैथ बहुत बेकार है, तो मैथ में आपने 0 भी स्कोर किया ना आपको बाहर नहीं करेंगे लोग, क्योंकि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझा सकूँ मैं, ठीक है। देखो कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नो सेक्शनल कट ऑफ, एसबीआई में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, ओवरऑल कट ऑफ होती है खाली, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ होती है आपकी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर आप मैथ में या रीजनिंग में 0 मार्क्स पाते हो, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप एसबीआई तब भी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखिए जो इंग्लिश थी, जीए थी और आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर थी, इन तीनों को मिला के 90 मार्क्स अगर आपके ने अराउंड या 85 अराउंड स्कोर कर दिया, इंग्लिश में मान लो आपके मार्क्स नहीं आ पाए तो 80 मार्क्स अराउंड कर दिया, तो आपकी जो कट ऑफ थी, मैं कट ऑफ बता दे रहा हूँ, 18 जो मेंस की कट ऑफ थी आपकी, जनरल की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये थी आपकी 93.10 थी, और जो 19 में कट ऑफ थी पेपर आसान होने की वजह से आपकी कट ऑफ थी वो 104.42 थी, ठीक है, तो इतनी कट ऑफ थी। मान लो आपने 90 अराउंड स्कोर कर दिया, पेपर थोड़ा आसान है, तो जो आसान रहेगा तो आपका मैथ जो रहेगा 0 नहीं आएंगे और रीजनिंग जो रहेगा 0 नहीं आएंगे, बिकॉज आपने प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, उसके बेसिस पे आपकी ये चीज़ें हो जाएंगी। इसको इस पर ज़रा अटेंशन नहीं देना है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, आपको अटेंशन, मेन अटेंशन जो देना है इंग्लिश पे देना है, जीए पे देना है और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना है। और ऐसा नहीं है कि मैथ को पढ़ना ही नहीं है और रीजनिंग को पढ़ना ही नहीं है, इसके लिए टाइम अलग से बनाओ तुम। टाइम अलग से बनाने का मतलब होता है कि मैथ को 2 घंटे दो कम से कम और रीजनिंग को 1 से 2 घंटे दो कम से कम, मेंस लेवल की पजल होनी चाहिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कितने घंटे देने कितने नहीं देने बताऊंगा। इन तीन सब्जेक्ट पे बहुत ज़रा टेंशन दो, स्पेशली इंग्लिश को बहुत अच्छा करो, जीए को डेली बेसिस पे पढ़ने की कोशिश करो, ये तुम ला सकते हो, जो 90 अराउंड मैंने स्कोर बताया करने के लिए ना, ये आराम से आ जाएंगे, भरोसा रखो, पढ़ने पे फोकस रखो, ठीक है ना, 90 अराउंड आराम से ला सकते हो, ठीक, समझ गए इस बात को, क्या कहने की कोशिश करो। अब मान लो आपने मैथ और रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा स्कोर कर दिया, थोड़ा थोड़ा स्कोर करने का मतलब ये होता है, मान लो मैथ में आपने, मैथ आपकी आ गई ड्यूएबल थोड़ा, या कोई कोई ऐसी डीआई मिल गई जो आपने कर दिया 10 नंबर या 12 नंबर कर दिया स्कोर आपने, मान लो एकदम बहुत ही बेसिक, बहुत ही कम आता है आपको मैथ, या रीजनिंग में आपने क्या कर दिया 10 से 12 नंबर उसमें भी स्कोर कर दिया, या 15 नंबर स्कोर कर दिया, इसको ऐड कर लो कितना हो गया 25 से लेकर 30 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर दिया आपने, तब इसको जब ऐड करोगे देन आपका कितने भी कट ऑफ वो लोग बनाने, 90 में अगर 30 मार्क्स ऐड करोगे 120 हो गया, अगर 80 में 30 मार्क्स ऐड करोगे वो 110 हो गया, 30 नहीं ला पा रहे हो मान लो 20 ला रहे हो, तो 90 में अगर 20 ऐड करोगे वो 110 हो गया, या 80 में 20 ऐड करोगे अराउंड 100 हो गया, ठीक है ना, तो आप कट ऑफ ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो आपको फोकस किस पे करना है, फिर से बोल रहा हूँ मैं,
आपकी जो फोकस होनी चाहिए किस पे होनी चाहिए, रीजनिंग सॉरी जीए पे होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर होना चाहिए और इंग्लिश पे होना चाहिए। अगर आपके इंग्लिश पे फोकस है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर होता जाएगा। तो होपफुली आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा मोस्ट स्कोरिंग जो होता है, मोस्ट स्कोरिंग जो होता है वो कौन से टॉपिक होते हैं और क्यों होता है, ये भी मैंने समझा दिया। कितने भी तुम मैथ पे काम कर लो, कितने भी तुम रीजनिंग पे काम कर लो ना, ये मेंस में तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा मेंस में बहुत अच्छा नहीं, अगर ये एक केस रहे, एक कंडीशन रहे कि अगर ये आपका पेपर जो रहे मेंस जो पेपर रहे थोड़ा इजी ना आ जाए, इजी मतलब मॉडरेट, इजी मतलब वो मत समझ लेना, मॉडरेट थोड़ा ना आ जाए ना, क्योंकि कभी भी आसान पेपर नहीं आता मेंस का, याद रखना। मॉडरेट ना आ जाए तब यहाँ ही स्कोर कर सकते हो अगर मॉडरेट है, लेकिन अगर पेपर जैसे यूजुअली आता है वैसा आएगा तो यहाँ पर तुम उम्मीद लेके मत जाओ बहुत ज़्यादा स्कोर करोगे। ठीक है, आपकी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है वही है और बहुत ही आसान होती है, जो इंग्लिश होती है, जीए होती है और डिस्क्रिप्टिव, इसमें बहुत आसान है स्कोर करना, लेकिन इसको वाइजली लोग सोचते नहीं। तो इसको होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट इसके रिलेटेड होता है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, रिप्लाई करूँगा। और एक बात और, अगर आप लोगों को मीन्स इसकी प्लानिंग वीडियो चाहिए, सेपरेट प्लानिंग वीडियो चाहिए, देन काइंडली कमेंट करिए आप लोग, मैं तब वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज नहीं बनाऊँगा ना। इसकी सेपरेट प्लानिंग वीडियो चाहिए देन आप लोग कमेंट करिए। ओके, एस बी आई पी ओ की और किसकी चाहिए, प्रीलिम्स की चाहिए, मेंस की चाहिए, वही बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार अलग अलग वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए और कोरोना वायरस से बच रहिए, घर के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए, घर के अंदर रहिए, क्योंकि केसेस जो इंडिया में बढ़ रहे हैं अराउंड 1100 हो गए हैं, 1100 केसेस हो गए हैं, तो प्लीज़ बाहर मत जाइएगा, अंदर ही रहिए, क्योंकि फ़ायदा अंदर ही रहने में है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो काइंडली कमेंट, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के डाउट्स को वहाँ बताऊँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।